नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल और वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। भाई आज मैं आप लोगों को ना अपने जमींदार भाइयों को एक अच्छी चीज़ दिखाना चाहूँगा। आज मैं यहाँ भारत एग्रो उचाना में आया हुआ था, हरियाणा के अंदर ये कंपनी है, थ्रेसर बनाती है। और इस थ्रेसर की जैसे भाई जो भी जमींदार भाई अपनी फसल को जैसे निकालने में जो दिक्कत आती है छोटी मोटी, आज इस वीडियो में इस थ्रेसर की सारी तो खास बात बताऊँगा और कौन कौन सी फसल निकाल देता है और क्या इसका यूज है, क्या फ़ायदा। अगर कोई भाई थ्रेसर लेना चाहे या नहीं भी लेना चाहता हो तो नॉलेज लेने में कोई नुकसान नहीं होता इस चीज़ का। तो मैं आज जैसे बताऊंगा भाई, जैसे हम पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, अपने भारत में क्या होता है, हर समय हर राज्य में अलग अलग फसल होती है भाई। जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, हर जगह अलग अलग फसल होती है। तो उनको निकालने के लिए, सभी फसलों को निकालने के लिए एक ही थ्रेसर है ये। और इस थ्रेसर में सबसे बड़ी खास बात ये है कि आपको कोई भी जाल वगैरह बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी पहली खास बात तो यह है, जो आपका टाइम भी बचाएगी और आपका पैसा ही बचाएगी। सिर्फ एक पैडी थ्रेसर को छोड़ के, धान वाली फसल को छोड़ के ये सारी फसलें निकाल देगी। और आप इसको ले सकते हो, इसमें दो मॉडल बना रखे हैं, एक अपना सुपर डिलक्स मॉडल है और ये अपना ये टॉप मॉडल जो अपना इसका आता कंपनी का। तो सबसे पहले अब चलो हम खास बात की बात करें भाई, और थ्रेसरों से ये थ्रेसर अलग कैसे है। जैसे और लगभग कंपनी जो लगभग जो आप मार्केट में जो मिलेंगे आप लोगों को थ्रेसर, उनकी जो बकेट है पीछे जो अंदर जाने की, ये 11-12 इंच के लगभग होती है। और जो इसकी जो है 11 इसकी 16 इंच के करीब चौड़ाई के साथ में आती है। और दूसरी बात, जैसे इसमें क्या है, कंपनी ने रूलर ना देके चेन टाइप दे दिया जो अपनी कंबाइन में आता, कंबाइन टाइप का। क्योंकि इसमें थ्रेसर की जो खास बात है, सबसे बड़ी खास बात ये है, आप बिल्कुल एकदम टपकता हुआ अनाज भी निकालोगे ना, जैसे पानी में से जैसे नहीं उठा के आप इसमें रख दोगे, तो ये मशीन 100% उसको भी निकालेगी। और सबसे बड़ी बात, निकालने के बाद क्या होता है, मशीन में चोक होने का सबसे बड़ा खतरा होता है। इस मशीन में चोक होने का कोई खतरा नहीं है, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा आप लोगों को वीडियो के अंदर भाई, चोक क्यों नहीं होती, कारण क्या है इसका। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये, आप जैसे कई बार मोटा जैसे बहुत भारी पुली होती है वो, उनको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा रखो ये ऑटोमेटिक सारा माल अंदर जाएगा। और गीले नाल में माल में क्या होता है, यहाँ रूलर होने के कारण वो क्या है, स्लिप कर जाते हैं, फिसलते हैं वो, तो उनको फिसलने का भी कोई इसमें कोई चांस नहीं है। चेन है, एक बार इसकी पकड़ में आई तो ये अपने आप अंदर खींच लेगी। और बात करते हैं जैसे फसलों की भाई, कौन कौन सी ये फसल निकाल देगी, जो कि अभी कंपनी जो लिखा है अपना, चना है, मूंग है, सरसों है, जौ है, और गेहूं है, गवार है, बाजरा है, और आरपीएम के हिसाब से ये अंदर अपने बना रखे हैं, अलग अलग आरपीएम, वो पुली भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये जैसे लगभग जो आम जो अपना जितनी भी फसलें होती है पूरे भारत में, कोई भी फसल आप निकाल सकते हो। फिर भी फसल के बारे में अगर कोई जानकारी लेनी है तो मैं नंबर डाल दूंगा वीडियो में नीचे इनका, तो आप उन पर कॉल करके आप पता कर सकते हो। तो चलो भाई, और एक सबसे बड़ी खास बात जो मैंने बताया था आपको, जैसे कि जाल बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप कई बार क्या होता है जमींदार भाई, एक टाइम पे 2-3 फसल आ जाती हैं भाई, जैसे गेहूं आ गया, सरसों आ गई, और अपना जैसे बाजरा भी आ जाता है, तो अपना ये अलग अलग है। तो उसके लिए बहुत सारे जमींदारों को ना अपना थ्रेसर लेने के बाद ये जाल बदलने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ जाल बदलने की जरूरत नहीं है आपको, जो ये जाल दिए हुए हैं ये पीछे मोटी जाली में और आगे पीछे बारीक जाली में और आगे मोटी जाली में, मतलब एक ही, बिल्कुल आपने कुछ चेंज नहीं करना, इसी के अंदर ये सारे अपना काम, सारी फसल इसी के अंदर निकाल देगा अपने प्रॉपरली। और एक तो ये एक बड़ी खास बात है, और इसका जो वेट है, जो ओवरऑल वेट है जो थ्रेसर का, वो 25 क्विंटल के करीब वेट है अपना इसका, जो कि काफ़ी हैवी बनाया गया है ताकि स्टेबल बने, और इसके अंदर जो माल लगाया गया वो बड़ा अच्छा लगाया, वो भी बात करेंगे। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने क्या किया है, जैसे अपना जो मेन सबसे इसमें वर्मा होता है अपना, जो कि फसल डालने वाला, जो अपना फसल उठा के ट्रॉली में डाल देता है, ये अपना अलग से दिया स्टैंड इसका, आप इसको स्टैंड को लगा के आप डायरेक्ट अपनी फसल को ट्रैक्टर की ट्रॉली में डाल सकते हो, जो कि आपको मेहनत बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उठा के। और उसके इसकी बर्मे की जैसे सबसे ज़्यादा टूट फूट होती है, क्योंकि ये सबसे नीचे होता है, ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत कम होता है, तो इसकी सेफ्टी के लिए डोल वगैरह भी लगने का चांस होता है। तो इसकी सेफ्टी के लिए कंपनी ने अलग से एक पत्ती लगाई है, ताकि ये डोल वगैरह पर ये ना लगे, उससे पहले ये लगेगा और उसके बाद ये लग के उसको क्या है तोड़ देगा, मिट्टी वाले उसको तोड़ के ये वाला टूटेगा, आपका बर्मा है बिल्कुल सेफ रहेगा। और सबसे एक और चीज़ और बताऊँगा जमींदार भाइयों, बर्मे में, बर्मा या कोई भी मशीन हो, मशीन के हर पार्ट में जहाँ पे ग्रीसिंग के लिए कंपनी बोलती है ना, कोई भी कंपनी, तो आप अपना ग्रीस टाइम पे जरूर किया करो, ताकि आपकी कंपनी की जो मशीन की ना लाइफ है वो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको जैसे ग्राउंड पे कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे बैरिंग वगैरह टूट गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबसे बड़ी बात तो ये है। और कंपनी जैसे कि बात करें भाई, इसमें जो PTO शाफ्ट का जो एक बड़ा अच्छा दिया है, PTO शाफ्ट इस तरीके से डिज़ाइन की है, आपने ट्रैक्टर के अंदर एक बार PTO शाफ्ट सेट कर दी, उसके बाद आपने निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं भी जाओ, कहीं लेके आओ, आपको PTO शाफ्ट टूटने का, टायर में लगने का कोई चांस नहीं है, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया इस थ्रेसर को। और बात करते हैं जैसे पुली की भाई, आपको जैसे कोई फसल, अलग अलग फसल निकालनी है, तो उसके लिए कंपनी ने स्पेशली ये कवर लगाए सेफ्टी को ध्यान में रख के, और उसके ऊपर RPM भी लिखे हुए हैं। और RPM की बात साथ साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे ट्रैक्टर की बात आती है कौन सा HP, जैसे कि ये जो है मशीन है
फुल अपना जो कहते हैं बिल्कुल एकदम टपकता हुआ अनाज होगा जो भी फसल होगी उसको अगर इसके अंदर निकालेंगे तो 48 HP का ट्रैक्टर इस पर अपनी पूरा परफॉर्मेंस कर पाएगा, नहीं तो 42 HP भी ट्रैक्टर अपने इस पर आप चला सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और गीला नाल लान निकालते समय ये थ्रेसर गदड़ गदड़ एकदम इसके अंदर जैसे कि झगड़ा सा हो जाता है एकदम प्रॉपर काफ़ी आवाज़ करता है, ये थ्रेसर बिल्कुल एकदम साइलेंट चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गीला लान निकालते समय आप लोगों को आपको यहाँ से ये अपना एक अलग से इन्होंने दिया है लोग ये वाला अपने ये प्लेट आपको ये खोल कर रखनी पड़ेगी ताकि जो थ्रेसर है 1% भी चौक ना हो, जो भूसा यहाँ से निकलना था वो यहाँ से निकलेगा। और जैसे कि बात करें भाई बाद में जो आता है झाड़ने से निकलने के बाद जो फाइनल जो होता है यहाँ पर जो गिर जाता है नीचे ज़मीन में वो बाद में उठाकर ज़मीन को बकेट में डालना पड़ता है, तो उसके लिए कंपनी ने ऑटोमेटिक सिस्टम दे दिया इसके अंदर ताकि जो यहाँ पे गिरता था फूस वो वापस थ्रेसर के अंदर जाएगा और प्रॉपर तरीके से आपकी फसल को निकाल के प्रॉपर बिल्कुल एकदम साफ निकालेगा। और इसके अंदर जैसे कि हम बात करें भाई इसकी अंदर ब्लेड वगैरह की बात करें, ये प्रॉपर ब्लेड वगैरह लगा रखे हैं स्टड ब्लेड सारे साथ में, और इसमें ना जो ये फरसा होता है जो ये गंडासा होता है 4 गंडासों के साथ में है, एक और दूसरा भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, 2 और 3 और ये चौथा ये आ गया 4 गंडासों के साथ में है ताकि आपकी फसल में कोई दिक्कत ना आए। एक सबसे बड़ी खास बात यही है कितना भी गीला अनाज निकालो, कई बार ये होता है भाई जैसे कोई भाई अगर इसको जैसे किराए की बात करें किराए पे लेने का काम करता है किराए पे चलाने का काम करता है तो उसको गीले लान होने के कारण आज नहीं कल नहीं परसों, तो इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप आँख बंद करके चलाओ कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा गीला लान बाहर निकाल देगा। और जैसा कि बात करें इसमें जैसे बेल्ट की बात करें आगे यहाँ पे कंपनी 4 बेल्ट दी हैं जो कंपनी जो वारंटी देती है वो 1 साल की वारंटी देती है, लेकिन जो इनका दावा है कहना है कि अगर बंदा अगर हमारा टाइम पे ग्रीस करता रहे तो अगले 5 साल तक मशीन में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बंदा खुल के आराम से चलाता रहेगा, कितने लोड में चलाओ कोई दिक्कत नहीं आती, चौक होने का कोई खतरा नहीं, बिल्कुल भी चौक नहीं होगी मशीन। उसके लिए कंपनी ने अलग अलग तरीके के क्योंकि गीले लान में ज़्यादातर मशीन को का चौक होने का चांस होता है, तो इसमें चौक होने का कोई चक्कर ही नहीं है, वो सारी बीमारियां कंपनी ने निकाल दी इसकी, और ये 4 बेल्ट के साथ में दिया है ताकि मोस्टली जो है 3 बेल्ट में आता है ये 4 बेल्ट दी है ताकि यहाँ कोई स्लिपेज वगैरह जो पावर लॉस है जब हम गीला लान निकालते हैं तो उसमें स्लिपेज वगैरह पावर लॉस जो होती है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर अलग से कंपनी ने भारी फ्राई व्हील दिया है ताकि जो ट्रैक्टर एक बार रनिंग कर दे उसके बाद उसको दोबारा बार बार देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे इसकी बात करें टायर की बात करें टायर भी हैवी ड्यूटी टायर यूज किए गए हैं और 1010.0016 का टायर यूज किया गया है और राज कंपनी का एक्सल लगाया है हैवी ड्यूटी ताकि जब ये, और एक चीज़ और भी है इसकी और थ्रेसरों से इसकी 6-7 इंच जो चौड़ाई हो ज़्यादा है ताकि जब थ्रेसर चलता है तो डोल में ऊंचे नीचे चलने पे थ्रेसर के कई बार पलटने के चांस होते हैं, तो इसमें वो भी चांस खत्म है क्योंकि इन्होंने जो स्टेबिलिटी है काफ़ी बनाई गई है बना रखी है ताकि थ्रेसर ना तो पलटे, और हैवी ड्यूटी ताकि ग्राउंड हैवी ड्यूटी टायर यूज किया है और ग्राउंड क्लियरेंस जिससे अपना काफ़ी अच्छा बना रहे। और अगर हम इसके गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें जैसे कि आपने हाई लो रिवर्स और फॉरवर्ड गियर लीवर ये यहाँ दिया है ताकि आप जब आपको ये वापस घुमानी है तो आप यहीं से अपना रिवर्स कर सकते हो और जब अपना नॉर्मल चलानी है तो अपना आराम से नॉर्मल चलती रहेगी मशीन। और इसके साथ में ना हाई और लो गियर भी दिया है, ये अपना जो लीवर है ये हाई और लो के गियर के साथ में दिया, जब जैसे कि आप ज़्यादा बिल्कुल एकदम टपकता हुआ लान निकालते हो तो उस टाइम पर आपको लो गियर में ये मशीन चलानी चाहिए ताकि आपकी मशीन चौक होने का कोई डर ना हो, और उससे सबसे बड़े चौक तो छोड़ो आपका ट्रैक्टर ना दबे और ना वो डीजल खर्चा बढ़े उसका, उन चीज़ों को ध्यान में रख के कंपनी ने कि अपना लो गियर यूज़ किया गया। और जो इसके अंदर गिरारी यूज़ की है वो गिरारी सारी जो अपना आम ट्रैक्टरों में है वो यूज़ होती हैं, वो गिरारियाँ हैं इसके अंदर कोई स्पेशल गिरारी नहीं है। और जो स्पेयर पार्ट की बात करें पूरी मशीन में बैरिंग वगैरह की बात करें स्पेयर पार्ट की बात करें तो सारे अपना नॉर्मल आम मार्केट में बैरिंग वगैरह सब कुछ मिल जाता है जो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कंपनी जो है 1 साल की वारंटी के साथ में देती है। और इसमें जैसे कई बार ये होता है ट्रैक्टर बदलना पड़ जाता है ज़मींदार को, ट्रैक्टर बदलने पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है पुली चेंज करने में, आपको सिर्फ ये 4 नट खोलने 1, 2 और 2 साइड से, ये 4 नट खोल के आप यहाँ से निकालोगे और इसमें पिन वगैरह नहीं 4 नट दिए हैं, 4 नट खोल लो पिन वगैरह निकालने का कोई झंझट ही नहीं इसके अंदर, आप आराम से अपनी पुली चेंज कर सकते हो। जो मेरी समझ में आया जो ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको लोगों को बताई हैं इसमें, और कोई भी अगर आपकी नॉलेज में अगर और कोई भी चीज़ है आपकी उसमें तो आप मेरे को ज़रूर बताना। जो से ये थ्रेसर जो अलग बनाता है सबसे बड़ी बात आपको जाल बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरी बात इसके अंदर रोलर ना देके यहाँ पे जो दिया है रोलर ना देके यहाँ पे चेन सिस्टम दे दिया जो कि अपनी हार्वेस्टर वगैरह में यूज़ होता है, इससे आपका
जो लान है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगा, और गीले लान में ये स्लिप वगैरह नहीं करेगा, अपना प्रॉपर सारा सारा लान अंदर की तरफ खींचेगा। और यहाँ ऊपर लाइट लगाने के लिए दिया है पीछे ऑप्शन लाइट के लिए, और साथ में एक टूल बॉक्स यहाँ पे दिया है जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ खोल के। ये यहाँ पे टूल बॉक्स दिया है अलग अलग पार्ट में डिवाइड, ताकि आप यहाँ अपने ब्लेड वगैरह रख सको और अपना इधर चाबी वगैरह रख सकते हो। और साथ में यहाँ पानी के लिए निकलने के लिए, कई बार पानी वगैरह डल जाए तो पानी वगैरह निकलेगा प्रॉपरली। और साथ में यहाँ पे ये दी है अलग से बनाया बैठने के लिए, ताकि बंदा आराम से बैठ के इस पर जो अपने लेबर है उसको अपना आराम से बैठ के ले जा सकता है, ला सकता है, और अपना नाच वगैरह लगाना चाहे तो वो भी लगा रख सके, ला सकता है इस पर। और पीछे जैसे फट्टा ऑप्शन है, वो फट्टा ऑप्शन भी इसमें कंपनी देती है, अपना फट्टा लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कंपनी ने अपना डिज़ाइन इस तरीके से किया कि जो हाइट है इसकी बहुत कम है, बड़े आराम से बंदा इसको लगाता है, फट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है, अगर आप बंदा चाहे तो यहाँ पे फट्टा वगैरह लगवा के अपना कोई सामान है वो रखना चाहे तो रख सकता है। और वैसे सामान के लिए कंपनी ने जो अपना टूल बॉक्स है वो यहाँ पे भी टूल बॉक्स दे रखा है, एक आगे ये अपना, ये अपना एक आगे भी टूल बॉक्स दिया, ताकि अपना चाबी वगैरह उसके लिए लॉक भी दिया है, लॉक ऑप्शन भी दिया है, अपना लॉक लगा सकते हो। और जो इसके अंदर बेल्ट है, ये जो अपनी बेल्ट है ये हैवी ड्यूटी बेल्ट यूज़ की गई है, ताकि टूटने फूटने कोई डर ना हो। वो जो बेल्ट है सारी वो मोस्टली बेल्ट है जो काफ़ी अच्छी टेक्नो क्वालिटी की यूज़ की गई है, ताकि आपको जब आप इसको चलाओ तो आपको कोई दिक्कत ना आए। और साथ में जैसे अपना झरना वगैरह साफ़ करने के लिए इधर अपना ये अलग से दिया है ये अपना, जैसे झरने में जो नाच वगैरह उसको साफ़ करने के काम आएगा ये बड़े अच्छे तरीके से। और पीटीओ का जो है क्रॉस है उसको डालने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, ताकि अपना बंदा आराम से डाल के यहाँ पे भी चला सकता है, या ट्रैक्टर थ्रेसर के अंदर ही डला रहे। तो ये मोटी मोटी जो चीज़ें थी, अगर कोई भाई अगर थ्रेसर लेना चाहता है तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हो, इनका नंबर मैं वैसे दिखा भी देता हूँ वीडियो के अंदर। और एक साल की वारंटी के साथ पूरे भारत में, जैसे कंपनी सर्विस की बात करें तो पूरे भारत में ये सर्विस करती है कंपनी, आप भारत में कहीं भी इस थ्रेसर को मंगवा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये अपना लिखा हुआ अपना। और सबसे बड़ी एक और चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, ये थ्रेसर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, आप अगर वहाँ पे अगर सब्सिडी निकलती है तो आप अपने थ्रेसर पे आराम से सब्सिडी ले सकते हो। इन पर सभी थ्रेसरों पर सब्सिडी प्रोवाइड की गई है कंपनी द्वारा। तो अभी जैसे आने वाला टाइम है, बंदे अपना थ्रेसर लेना चाहते हैं तो ये अपना थ्रेसर का अपना ट्राई कर सकते हो भाई, जैसे कि मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जो कंपनी ओनर का कहना है वो उनका कहना है कि हमारा थ्रेसर 5 साल तक नहीं हिलेगा, भले ही हम 1 साल की वारंटी देते हैं, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ये सब हमारे हाथ पर बंधे हुए हैं इस चीज़ में। तो अपना 5 साल तक की तो आपका बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल एकदम हैवी चादर यूज़ की गई है, और मुझे तो बड़ी अच्छी फिनिशिंग लगी भाई इसमें, क्योंकि अच्छा काम कर रखा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई लगी नहीं कोई कहीं कमी। और ज़मींदार के हर चीज़ के लिए ये अपना स्पेशल बनाया हुआ है, जो कि कम से कम लेबर में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सको। और गीले लान का सबसे बड़ी समस्या जो आती है ज़मींदार भाइयों, गीले लान की आती है, और गीले लान में ये मशीन बिल्कुल भी चौक नहीं होगी, आप कितना भी निकालो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही था जो मेन से पॉइंट थे, ये मैंने आप लोगों को बता दिए। और जैसी वीडियो लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, या जो मेरे से कोई कमी हुई है तो वो भी ज़रूर बताना, ताकि मैं आने वाले टाइम में आप लोगों तक और अच्छी वीडियो और अच्छी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तक लेकर आ सकूँ, ताकि आप लोगों को ज़मींदार भाइयों को सहायता मिले, मेरा मेन मोटिव यही रहेगा। और साथ में जैसे अपना हैरो भी बनाते हैं, अपना हैरो डिज़ाइन करते हैं अपना, ये अपना फ़िलहाल है 2, 4, 6, 8, 10, 11 डिस्क, 22 डिस्क की हैरो भी बनाते हैं अपना। आप हैरो भी देख सकते हो, बिल्कुल एकदम हैवी क्वालिटी है, हैवी ड्यूटी, एक समान लगेगी और प्रॉपर तरीके से, कहीं कोई तवे वगैरह की वारंटी वगैरह सारी चीज़ें कंपनी अपना प्रोवाइड करती है। और छोटा ट्रैक्टर भी बड़ी हैरो को आराम से आसानी से चला सकता है। तो भाई ये थी मेन चीज़ें, और जैसी वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।